हेलो स्टूडेंट, जो कल का क्लास हुआ था फॉर्मुलेशन और शॉर्ट नोटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल, तो गैल्वेनिक सेल को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, उसके जो कॉन्वेंशंस थे, कॉन्वेंशंस टू यू टू रिप्रेजेंट दी सेल, टू राइट द सेल फॉर्मुलेशन, तो उसका जो फर्स्ट कॉन्वेंशन या फर्स्ट रूल है, ये जो सेल का रिप्रेजेंटेशन मैंने नोटेशन लिखा है, Zn मतलब जिंक इलेक्ट्रोड, आयंस का मतलब होता है एक्वायस सॉल्यूशन ऑफ दैट साल्ट, यहां पे एक डबल वर्टिकल लाइन है, सिंगल वर्टिकल लाइन है, ब्रैकेट में जैसे 1m लिखा है, दैट इज अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस इन दैट सॉल्यूशन, और ये एनोड है और ये कैथोड है, तो ये जो दिख रहा है यहाँ पे उसी टाइप्स के आप थ्योरेटिकली लिख सकते, जो फर्स्ट रूल था, द इलेक्ट्रोड मेटल इलेक्ट्रोड और इनर्ट इलेक्ट्रोड, मेटल इलेक्ट्रोड भी हो सकते हैं जैसे ग्रेफाइट, जैसे इनर्ट इलेक्ट्रोड भी हो सकते हैं, द मेटल इलेक्ट्रोड्स आर इनर्ट इलेक्ट्रोड्स आर डिनोटेड बाय अ सिंगल वर्टिकल लाइन, जो सिंगल वर्टिकल लाइन दिख रहे, मतलब वर्टिकल लाइंस दिख रहे, दैट डिनोटेड बाय द, मतलब दैट सिंगल इलेक्ट्रोड डिनोट करने के लिए कौन सा क्या यूज करना है, एक वर्टिकल लाइन, जैसे जिंक इलेक्ट्रोड के लिए ये और सेकंड कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए डिनोटेड बाय वर्टिकल लाइन, एंड दैट प्लेस एट द एंड ऑफ सेल फॉर्मूला, जो सेल का फॉर्मूला है, सेल का नोटेशन है, पूरे सेल के एंड में रहेगा, द इलेक्ट्रोड दैट इज एनोड, जो एक्सट्रीम लेफ्ट, एनोड को कहां पे प्लेस करना है, एनोड इज प्लेस एट द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में ऑलवेज एनोड, और राइट हैंड साइड में कैथोड, तो ये फर्स्ट रूल है, द इलेक्ट्रोड मेटल इलेक्ट्रोड आर इनर्ट इलेक्ट्रोड्स आर डिनोटेड बाय सिंगल वर्टिकल लाइन दैट प्लेस एट द एंड ऑफ सेल फॉर्मूला, एंड द एनोड इज ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड एंड कैथोड इज ऑन एक्सट्रीम राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड का जो इलेक्ट्रोड होता है ऑलवेज कैथोड, एंड लेफ्ट हैंड साइड का इलेक्ट्रोड इज ऑलवेज एनोड। देन नंबर टू, सेकंड रूल, इफ एनी अदर स्पीसीज आर प्रेजेंट, मतलब इनसोल्युबल स्पीसीज आर, इफ एनी गैस आर प्रेजेंट, इन दैट केस दे आर प्लेस एट द इंटीरियर पोजिशन एडजेसेंट टू द मेटल इलेक्ट्रोड, मैं एग्जाम्पल लूंगा, जैसे सिल्वर AgA दैट इज इन कॉन्टेक्ट विद AgCl, सपोज ए इनसोल्युबल साल्ट है, तो उसके बाद या सिंगल वर्टिकल लाइन देखिए आप, जैसे आयंस है तो ये सोल्यूशन लिख सकते हैं, एंड देन डबल वर्टिकल लाइन, तो ये साल्ट है एडिशनल स्पीसीज, अगर इसके कॉन्टेक्ट में साल्ट है तो इलेक्ट्रोड के एडजेसेंट साइड में उसके अंदर के साइड में लिखना है, इफ एनी इनसोल्युबल स्पीसीज आर प्रेजेंट, या इफ एनी गैस इज प्रेजेंट, या गैस इलेक्ट्रोड के लिए जैसे आप सेकंड इलेक्ट्रोड में गैस लिख रहा एच पॉजिटिव एच टू गैस और प्लेटिनम, ये प्लेटिनम यहाँ पे इनर्ट इलेक्ट्रोड है, और एच टू गैस उसके इंटीरियर साइड में एच टू गैस रहा, या कोई इनसोल्युबल साल्ट होता है, दे आर प्लेस एट द इंटीरियर पोजिशन एडजेसेंट, ये इलेक्ट्रोड है उसके एडजेसेंट, ठीक है, तो ये रूल नंबर टू है सेल रिप्रेजेंट करने का। देन रूल नंबर थ्री, एक्वायस सॉल्यूशन ऑफ आयंस, एक्वायस सॉल्यूशन ऑफ आयंस आर प्लेस एट द मिडल पोर्शन या मिडल ऑफ द सेल फॉर्मूला, एक्वायस सॉल्यूशन का मतलब जो भी आपको यहाँ पे आयंस दिखेंगे दैट इज एक्वायस सॉल्यूशन ऑफ दैट आयन, तो यहाँ पे आयन जो है वो कहाँ पे दिख रहे हैं, सेंट्रल मिडल पोर्शन में सेल फॉर्मूले की क्या रहेगा, एक्वायस सॉल्यूशन ऑफ आयंस दैट प्लेस एट द मिडल ऑफ सेल फॉर्मूला, पहला था इलेक्ट्रोड्स एक्सट्रीम राइट हैंड साइड कैथोड, एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड एनोड, एंड इलेक्ट्रोड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द वर्टिकल लाइन, सेकंड इफ एनी इनसोल्युबल मटेरियल और गैस आर प्रेजेंट दे आर प्लेस इंटीरियर पोजिशन एडजेसेंट टू द मेटल इलेक्ट्रोड, एंड देन थर्ड रूल, एक्वायस सॉल्यूशन ऑफ आयंस आर प्लेस एट द मिडल ऑफ सेल फॉर्मूला, देन सिंगल वर्टिकल लाइन एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करे, सिंगल वर्टिकल लाइन दैट मतलब दो फेजेस, बिटवीन दिस टू फेजेस, अब टू फेजेस कैसे बोलेंगे, रॉड है, मेटल रॉड है, मेटल स्ट्रिप है, और ये सॉल्यूशन है,
सॉलिड फेज है, लिक्विड फेज है, सॉलिड फेज, लिक्विड फेज. द सिंगल वर्टिकल लाइन बिटवीन द टू फेजेस रिप्रेजेंट द फेज बाउंड्री, यानी ये दो फेजेस की बाउंड्री बोल सकते हैं, यानी ये सॉलिड फेज और लिक्विड फेज, एंड दैट शोज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन देम. दोनों में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, जैसे ये इलेक्ट्रोड है, मतलब हाफ सील है, मेटल इलेक्ट्रोड, और उसमें आपने सोल्यूशन में डिप किया. ये सोल्यूशन मतलब जैसे जेड है, पॉजिटिव आयन है, और ये रॉड है, मेटल रॉड है, जिंक है, तो उसका मतलब दोनों का डायरेक्ट एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट है. ये दो फेज है, ये सॉलिड फेज और ये लिक्विड फेज. तो सिंगल वर्टिकल लाइन प्रेजेंट बिटवीन द टू फेजेस दैट रिप्रेजेंट द फेज बाउंड्री एंड दिस शो दैट इज अ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन देम. एंड नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रूल है फोर, द डबल वर्टिकल लाइन की स्पेशलिटी देखो यहाँ पे. ये जो दो वर्टिकल लाइन्स होते हैं, दैट डबल वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट द कॉन्टैक्ट बिटवीन, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, जैसे दो हाफ सेल है, ये एक हाफ सेल, ये दूसरा हाफ सेल, और ये दो सेल को जोड़ने के लिए क्या अटैच करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज द साल्ड ब्रिज. ऑलरेडी पढ़ा है हमने साल्ड ब्रिज. तो डबल वर्टिकल लाइन, तो ये साल्ड ब्रिज मतलब दो सोल्यूशन का कॉन्टैक्ट, ये एक सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, दूसरा जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है, और दोनों का जो इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, तो प्रेजेंस ऑफ डबल वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट द प्रेजेंस ऑफ साल्ट ब्रिज बिटवीन दिस टू सोल्यूशन. तो सिंगल वर्टिकल लाइन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन मेटल एंड इलेक्ट्रोडिक सोल्यूशन, डबल वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट द प्रेजेंस ऑफ साल्ट ब्रिज बिटवीन द टू इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन. एंड अदर इंफॉर्मेशन का मतलब द कॉन्सेंट्रेशन, नेक्स्ट रूल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन्स, अगर आयन्स होगी तो उसका कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, कभी गैस इन्वॉल्व होता है तो गैस का प्रेशर, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन्स और प्रेशर ऑफ गैस दैट रिटर्न इन अ ब्रैकेट, वो आपको ब्रैकेट में उसके फॉर्मूले के साइड में लिखना है, ये होगा नेक्स्ट रूल. एंड देन एडिशनल इंफॉर्मेशन में ये आएगा, एंड देन द सिंगल हाफ सेल इज रिटर्न इन द ऑर्डर. अब सिंगल हाफ सेल का अगर रिप्रेजेंट करना है, सिंगल इलेक्ट्रोड, ये सेल मतलब दोनों एनोड भी आएगा कैथोड, और सिंगल हाफ सेल या सिंगल इलेक्ट्रोड का रिप्रेजेंटेशन का मतलब दो में से कोई भी एक, ये एनोड है, लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज एनोड एंड राइट हैंड साइड का इलेक्ट्रोड क्या लगेगा, ऑलवेज कैथोड. अब सिंगल इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट करना है, यानी सिंगल मतलब ये साल्ट ब्रिज आपने निकाल दिया, अलग कर दिया, तो ये हाफ सेल और ये दूसरा हाफ सेल, और दोनों को साढ़े बीस से जोड़ दोगे तो क्या बनेगा, कंप्लीट सेल. तो सिंगल इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट करना है जेड एन इन कॉन्टेक्ट विद जेड एन डायपोल, बट इन जनरल रिप्रेजेंट ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट मेटल रॉड एंड इट्स आयन. तो ये रिप्रेजेंट करते टाइम इन ऑर्डर, तो ऑर्डर कौन सा यूज करना है, जब भी आप रिप्रेजेंट करोगे इसका रिप्रेजेंटेशन दो टाइप से कर सकते, ये या दूसरा है पहले आयन बाद में रॉड, बस डिफरेंस इतना है अपने को ये डायरेक्शन भी जाना है, यहां से यहां क्या होगा, ये कब फॉर्म होगा, आयन चार्ज कब आएगा आफ्टर द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का लॉस का मतलब होता है ये कैसे बनता है, देखो इलेक्ट्रोड जेड एन गिव्स, जेड एन दो पॉजिटिव चार्ज है, ये दो पॉजिटिव चार्ज कब आएगी, जब दो इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए, और इसका मतलब ये जेड एन डाई पॉजिटिव प्लस टू इलेक्ट्रॉन गिव्स जेड एन, ये रिएक्शन रिडक्शन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस वन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन जहां पे होता है दैट इज एनोड, और रिडक्शन जहां पे होता है उसको कैथोड बोलते हैं. तो ये कैथोड इलेक्ट्रोड है और ये एनोड है, यानी पहले अगर आयन होता है बाद में मेटल होता है तो कैथोड, और पहले मेटल है बाद में आयन से तो एनोड. लेकिन जनरली रिप्रेजेंट करते टाइम और स्टैंडर्ड फॉर्म में सिंगल लग रहे, अब डबल का तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता, ये साइड में कैथोड रहेगा ये साइड में एनोड, बट व्हाइल रिप्रेजेंटिंग द सिंगल इलेक्ट्रोड हाफ सेल तो फर्स्ट राइट डाउन द आयंस ऑफ साल्ट, तो पहले आयंस आना चाहिए और बाद में मेटल रॉड आना चाहिए, ऐसा भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड है, लेकिन जनरली एक्सप्रेस करते टाइम रिप्रेजेंट करते टाइम फर्स्ट द आयंस ऑफ दैट सोल्यूशन एंड देन फॉलोड बाय द मेटल रॉड. तो जनरली जब भी रिप्रेजेंट करोगे एज अ रिडक्शन इलेक्ट्रोड एज अ कैथोड करके रिप्रेजेंट करना है, अगर आपने लिख दिया ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड एनोड तो ये भी कोई रॉन्ग नहीं, लेकिन जनरली ये आदत डालो जब भी रिप्रेजेंट करोगे तो पहले आयन आना चाहिए और बाद में उसके बाद मेटल रॉड आना चाहिए. तो कोई भी सेल का रिप्रेजेंटेशन ये, जैसे दूसरा एक एग्जाम्पल ले सकते मैग्नीशियम
या एमजी सिंगल वर्टिकल लाइन, एमजी डायपोली मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट डबल वर्टिकल लाइन, ये एक इलेक्ट्रोड हो गया, मतलब क्या थोड़ा एनोड ये साइड में। दूसरा सपोज सिल्वर इलेक्ट्रोड है, एजी पॉजिटिव सिंगल वर्टिकल लाइन एजी, ये हो गया कैथोड और ये एनोड। देखो एमजी टू एमजी डायपोजिटिव ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड, एजी पॉजिटिव टू एजी मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तब ये होगा, ये कौन सा होगा कैथोड। तो इस टाइप से आप सेल को रिप्रेजेंट कर सकते। तो ये कॉन्वेंशंस आर रूल्स टू रिप्रेजेंट द गैलोनिक सेल। तो ये चार पांच पॉइंट्स हैं, ये लिख दिया आपने अपने हिसाब से भी लिखे दो तीन पॉइंट्स, तो कोई प्रॉब्लम अगर कभी क्वेश्चन आता है तो। लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज हाउ टू राइट द सेल रिएक्शन, राइटिंग ऑफ सेल रिएक्शन। जो सेल रिएक्शन होते हैं वो भी जो पूरा एक्सप्लेनेशन होता है तो आपको सेल रिएक्शन भी लिखना पड़ता है। राइटिंग ऑफ सेल रिएक्शन, अब सेल रिएक्शन कैसे लिखोगे कोई भी, और जनरली यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन अगर दिया रहेगा फॉर्मूला तो इतना इजी है सेल रिएक्शन, इसी में आपको रिएक्शन दिया है। तो जब भी सेल रिएक्शन लिखोगे तो बाय कंसिडरिंग ड्यूरिंग राइटिंग द सेल रिएक्शन कंसिडर आपको ये करना है, द राइट हैंड साइड इलेक्ट्रोड इज ऑलवेज एनोड और लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड इज ऑलवेज कैथोड, बिकॉज एट कैथोड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एंड एट एनोड रिडक्शन टेक्स प्लेस, एंड देयरफॉर जो साइड फिक्स किए राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, अगर आप देखोगे ये डायरेक्शन में जाओगे तो सीधा सीधा इसका क्या हुआ, इसका कन्वर्जन अगर इसमें होता है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन, एंड द इलेक्ट्रोड ऑन विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस दैट इज एनोड, देयरफॉर दिस वन इज एनोड। And here Cu dipositive gives Cu, this reaction, this conversion takes place after the addition of electron, and addition of electron is the reduction, and the electrode on which reduction takes place that is called the cathode। तो ये direction में जाओ ऐसा होगा तो oxid reduction होगा, reduction का मतलब cathode और इस oxidation का मतलब है anode। तो जब भी आप cell reaction लिखोगे बहुत इजी है, डायरेक्टली इसी में दिया रहेगा सेल रिएक्शन, आपको थोड़ा सा चेंज करना है। तो जब भी सेल रिएक्शन लिखोगे ड्यूरिंग राइटिंग दी सेल रिएक्शन, तो जो फिर से यहाँ पे रूल्स या रूल्स बोल सकते हैं कॉन्वेंशन बोल सकते हैं, तो ऑक्सीडेशन राइट द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन फॉर, तो राइट हैंड साइड वाले को नंबर वन राइट ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन फॉर लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन फॉर राइट हैंड साइड इलेक्ट्रोड। जब भी आप लिखोगे तो राइट हैंड साइड इलेक्ट्रोड के लिए ऑक्सीडेशन, लेफ्ट हैंड साइड के लिए ऑक्सीडेशन एंड राइट हैंड साइड रिएक्शन इलेक्ट्रोड के लिए रिडक्शन, और डायरेक्टली इसी में दिया देखो रिएक्शन, तो ये ऑलवेज एनोड, तो एट रिएक्शन लिखना ही होगा एट एनोड। क्या लिखोगे आप एनोड का रिएक्शन, देखो सीधा सीधा रिएक्शन दिया ही है, जेड एन का कन्वर्शन क्या हो रहा ZN gives ZN dipositive, अब यहाँ पे दो पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन कम करो, दो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे सीधा सीधा लिख दो टू इलेक्ट्रॉन, एंड दो इलेक्ट्रॉन जब कम हो गए तो उसपे दो पॉजिटिव चार्ज आएंगे, तो ये होगा रिएक्शन एट एनोड। सेकंड एड कैथोड, सेकंड रिएक्शन, अब कैथोड का रिएक्शन क्या रहेगा, कैथोड में Cu डायपोजिटिव कन्वर्टेड टू Cu, अब Cu डायपोजिटिव है उसपे चार्ज निकालना है, Cu बनाना है तो उसपे दो इलेक्ट्रॉन एड करना पड़ेगा, दैट गिव्स Cu, हो गया सेल रिएक्शन एट कैथोड, सेल रिएक्शन ऑफ एट एनोड। एंड देन जो थर्ड इंपॉर्टेंट है, एड दिस टू रिएक्शन टू गेट अ ओवरऑल, जो कि ये जो पार्ट है रिएक्शन का एनोड का कैथोड का ओवरऑल और नेट रिएक्शन, तो टोटल वन एंड हाफ मार्क, हाफ हाफ हाफ, यानी एनोड को हाफ कैथोड हाफ और ओवरऑल रिएक्शन है नेट सेल रिएक्शन उसको हाफ। अब नेट सेल रिएक्शन लिखोगे तो कैसे, ड्यूरिंग राइटिंग द नेट सेल रिएक्शन मतलब नेट सेल रिएक्शन इज ऑब्टेन बाय एडिंग एड टू दिस हाफ रिएक्शन, ये दोनों को अगर आप एड करोगे यू गेट द नेट सेल रिएक्शन, और नेट सेल रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट है द रिएक्शन शुड नॉट बी अपीयर, रिएक्शन मींस रिएक्शन में नेट सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखना नहीं चाहिए, इलेक्ट्रॉन शुड बी कैंसल्ड, इलेक्ट्रॉन कैंसल्ड होना चाहिए। तो दोनों की एडिशन करके देखो, यहाँ पे भी दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी दो इलेक्ट्रॉन है, अपोजिट साइड में कैंसल, अब कैंसल करने के बाद जो अब टोटल है वो लिखो सीधा सीधा Zn प्लस क्या है Cu डायपोजिटिव गिव्स, क्या बचे यहाँ पे
Zn डायपॉजिटिव प्लस Cu हो गया। यानी जिंक का क्या हो रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, Cu का क्या हो रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दिस वन इज नेट सेल रिएक्शन आप ओवरऑल रिएक्शन। और ये रिएक्शन में चेक करो इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिख रहे तो ओवरऑल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखना चाहिए जब भी रिएक्शन लिखोगे। लेकिन मतलब ओवरऑल रिएक्शन शुड बी वेल बैलेंस्ड, इलेक्ट्रॉन शुड बी बैलेंस्ड। इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग का मतलब है जितने इलेक्ट्रॉन्स एक जगह पे फॉर्म हो रहे मतलब यहां पे उतने ही इलेक्ट्रॉन जो दूसरे इलेक्ट्रोड पे गेन होना चाहिए। अगर सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों इलेक्ट्रोड जो होते हैं दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव चार्ज सेम है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। जितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करो उतने इलेक्ट्रॉन ऐड करो सीधा रिएक्शन बैलेंस होगा कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर उसमें एक की वैलेंसी या बोल सकते एक का ऑक्सीडेशन अलग है दूसरे का अलग है तब आपको इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करके लिखना पड़ेगा। सिंगल इलेक्ट्रोड लिखना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंगल इलेक्ट्रोड जैसे आप देखो रिएक्शन जो है Na का रिएक्शन लिखना है Na यूज Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन सिंगल लिखना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। वही अगर NaCl के लिए लिखना है NaCl सोडियम क्लोराइड का तो आपको पता है Cl का कन्वर्शन किसमें होता है Cl2 गैस में, दो Cl चाहिए। अब दो Cl का दो Cl निगेटिव का Cl2 बनाना है तो दो Cl दो इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन निकल गए दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आई भी होना चाहिए तो वो बैलेंसिंग जरूरी है। जैसे Na पॉजिटिव यूज तो यहाँ पे आपको ट्वाइस Na यूज ट्वाइस Na पॉजिटिव प्लस टू इलेक्ट्रॉन, अब दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। जब दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तब Cl2 प्लस टू इलेक्ट्रॉन दैट गिव्स ट्वाइस Cl। अब दो इलेक्ट्रॉन को एडजस्ट करना है तो उसको भी टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरे इक्वेशन को टू टू टू। ये कब लिखने की जरूरत पड़ती है इन ओवरऑल रिएक्शन सिंगल इलेक्ट्रोड में चलेगा। जैसे रिएक्शन ट्वाइस H पॉजिटिव प्लस टू इलेक्ट्रॉन H2 गैस बनाना है, H2 गैस दो हाइड्रोजन दो पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज करो H2 गैस। सेम रिएक्शन कैन आल्सो बी राइट H पॉजिटिव प्लस वन इलेक्ट्रॉन दैट गिव्स हाफ H2 गैस, क्योंकि एक ही हाइड्रोजन एटम है एक इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड हो गया हाफ H2 गैस। ये भी रिएक्शन सिंगल एनोड या कैथोड का लिखते टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं ऐसे रिएक्शन लिख सकते हैं, लेकिन जब ऐड करते टाइम जितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे उतने इलेक्ट्रॉन गेन होना चाहिए। तो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मेटल का, जैसे और वो भी रिएक्शन लिखना बहुत ही इजी, रिप्रेजेंटेशन लिखता हूं पहले Mg सिंगल वर्टिकल लाइन Mg डायपॉजिटिव, डबल वर्टिकल लाइन Ag पॉजिटिव सिंगल वर्टिकल लाइन Ag। अब देखो यार मैग्नीशियम इस मैग्नीशियम कैथोड है सिल्वर एनोड है, लेकिन अगर यहाँ पे चेक करोगे इस पे प्लस टू चार्ज है इसका प्लस वन है एट एनोड एट एनोड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए रिएक्शन लिख दो Mg गिव्स Mg डायपॉजिटिव प्लस टू इलेक्ट्रॉन, लेकिन सेल पे जो चार्ज दिख रहा है वन ही चार्ज है एट कैथोड एट कैथोड हाफ सेल रिएक्शन चलेगा Ag पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन दैट गिव्स Ag। ड्यूरिंग रीडिंग द सिंगल इलेक्ट्रोड रिएक्शन बैलेंसिंग नहीं रहा तो भी चलेगा क्योंकि यहाँ पे टू इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे टू इलेक्ट्रॉन्स ऐड नहीं हो जितने इलेक्ट्रॉन लॉस होते उतने, लेकिन ऐड करोगे तो रिएक्शन कैंसिल करने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन सेम होना तो आपको क्या करने का पड़ेगा सेकंड रिएक्शन को टू से मल्टीप्लाई करके ऐड करना टू टू पूरे रिएक्शन को। अब टू से मल्टीप्लाई करने के बाद जब ऐड करोगे दैट इज ओवरऑल रिएक्शन टू टू कैंसल्ड। अब ये फाइनल रिएक्शन Mg प्लस ट्वाइस Ag गिव्स Mg डायपॉजिटिव प्लस ट्वाइस Ag। तो इस टाइप से बैलेंसिंग करने के अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम नहीं है तो इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो जो करना है, लेकिन एडिशन करते टाइम रिएक्शन शुड बी वेल बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस होना चाहिए। तो और कल एक तो एग्जांपल लेंगे।